तो गाइस पिछले एपिसोड में हमने देखा बैटमैन ने वाइल्डकैट को सचमुच मार दिया था, लेकिन अगले ही पल वाइल्डकैट फिर से जिंदा हो गया था क्योंकि उसके पास तो 9 जिंदगियां थी। फिर बैटमैन वाइल्डकैट से डॉक्टर मिडनाइट यानी चार्ल्स का पता पूछता है। फिर दोनों वाइल्डकैट और बैटमैन मिडनाइट को लेने नॉर्वे के एक सुनसान टापू पर पहुंच जाते हैं, जहां डॉक्टर मिडनाइट उनके साथ आने के लिए मना करता है, लेकिन बैटमैन के आगे उसकी एक भी नहीं चल पाती और मिडनाइट को बैटमैन के साथ आना पड़ता है। आगे हमें पता चलता है कि डॉक्टर मिडनाइट को इसलिए बुलाया जा रहा था क्योंकि सुपरबॉय इंजर्ड था और उसे जिंदा रखने के लिए उसके हार्ट की सर्जरी करना जरूरी था, तो इसलिए जनरल जॉर्ड के हार्ट को सुपरबॉय में लगा दिया गया और इसी तरह वो बच गया। तो गाइस बस यही था जो हमने पिछले एपिसोड में देखा था। अगर आपने अभी तक उस एपिसोड को नहीं देखा है तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से उस एपिसोड को देख सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं इंजस्टिस 2 का न्यू एपिसोड। आज का एपिसोड शुरू होता है सुपर गर्ल की ट्रेनिंग से, जहां फिलिपस उसको बोल रही है जोर से मारो कारा, ऐसा नहीं चलेगा। उधर कारा ब्लैक एडम को बीट कर रही थी, लेकिन कारा कहती है मुझे नहीं लगता मुझे जोर से मारना चाहिए, पर ब्लैक एडम तो काफी चालाक था। वो तभी कारा के पैर पर एक लात मारकर उसे गिरा देता है और बिना किसी कमजोरी के कारा को मारने लगता है कि तभी एंटोपी उसे रोक देती है। फिर ब्लैक एडम भी रुक जाता है और एंटोपी कहती है कारा फिलिपस ठीक बोल रही है, तुम्हें पूरा जोर लगाना होगा। कारा कहती है लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, उसे चोट लग जाएगी। एंटोपी कहती है कारा जब तुम्हें कोई चांस मिले तो उसे यूज करो, यही तुम्हें एडवांटेज देगा, वरना तुम कभी नहीं जीत पाओगी। फिर कारा डेमिन की तरफ देखने लगती है। डेमिन कहता है मुझे इस सब में मत घसीटो, मैं इस सब से बाहर ही ठीक हूँ। फिर एंटोपी डायनो को कहती है डायना मैं इसे इस तरह ट्रेन नहीं कर सकती, जब तक ये खुद से लड़ना बंद नहीं करेगी तब तक ये अपने अपोनेंट को कैसे हरा पाएगी। वंडर वुमन यानी डायना कहती है तुम ठीक कह रही हो कारा, मेरी बात सुनो, ब्लैक एडम ही एक ऐसा पर्सन है जो तुमसे फाइट कर सकता है और वो भी बिना किसी परमानेंट डैमेज के, तुम समझ रही हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। कारा कहती है लेकिन ब्लैक एडम ने मुझे बचाया था, मैं उसके साथ कैसे लड़ सकती हूँ, लेकिन हाँ मैं तुम्हारे साथ जरूर लड़ सकती हूँ। डायना कहती है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैं तुम्हें मसल कर रख दूंगी। कारा पूछती है क्या तुम श्योर हो। डायना कहती है हाँ बिल्कुल, एक कीड़े मकोड़े की तरह तुम्हारे जैसे मैं पीछे नहीं हटूंगी। तुम्हारे कजिन की भी यही प्रॉब्लम थी, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैदा हुआ था इसलिए उसने कभी लड़ना ही नहीं सीखा, और वैसे भी उसे वॉयलेंस कभी भी पसंद नहीं थी और ना ही मुझे। वॉयलेंस काफी बुरी चीज है, पर शांति बनाए रखने के लिए ऐसा करना जरूरी भी है। तुम अभी खंदक को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं हो, पर एक दिन दुनिया को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी और फिर से इस प्लेनेट पर शांति होगी, क्या तुम उस दिन के लिए तैयार नहीं होना चाहोगी। कारा कहती है हाँ क्यों नहीं। डायना कहती है तो चलो फिर से ट्रेनिंग के लिए वापस चलो। फिर अगले सीन में हम देखते हैं बूस्टर गोल्ड और ब्लू बीटल को, जहां वो दोनों भी ट्रेनिंग कर रहे थे। बूस्टर कहता है फोकस जिमी फोकस, बिल्कुल ऐसे ही। फिर जिमी यानी ब्लू बीटल कहता है टेड के पास तो बैटल बोट्स थे, तो बूस्टर कहता है हाँ तो वो एक बिलियनेयर भी था ना, लेकिन हमारे पास टायर हैं जो मुझे रोड की साइड पर मिले थे। ब्लू बीटल पूछता है क्या अब मैं इन टायर से फाइट करूंगा। बूस्टर कहता है नहीं, पर अगर तुम इनसे ट्रेन नहीं हो पाए तो तुम कभी फाइट ही नहीं कर पाओगे और तुम ऐसे ही हार जाओगे। ब्लू बीटल कहता है ये तो सिर्फ टायर्स हैं, तो बूस्टर कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और जोर से ब्लू बीटल के सर पर एक टायर को मार देता है और कहता है ये डार्क साइड था। ब्लू बीटल कहता है क्या डार्क साइड, आप मजाक तो नहीं कर रहे, लेकिन उसके पास तो ओमेगा बीम्स और बहुत ज्यादा पावर है। बूस्टर कहता है तो इन्हें डार्क साइड के टायर समझ लो, अब तो ठीक है ना। फिर तभी टेड कोड का रोबो असिस्टेंट स्किट्स वहां आ जाता है और कहता है सर सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन ट्रेलर में आपसे मिलने कोई आया है। फिर हम पहुंच जाते हैं बूस्टर गोल्ड के ट्रेलर में, जहां कोई उसे कहता है माइकल जॉन कार्टर, मुझे लगता है ये तुम्हारी असली पहचान नहीं है, पर मेरा नाम जस्टिन बेन्स है और यहाँ मैं टेड कोड की बसियत के बारे में बात करने आया हूँ। बूस्टर कहता है ओके तो चलो मुझे बताओ ये क्या है। जस्टिन बेन्स कहता है ये थोड़ा टाइम लेगा, क्या मुझे यहाँ बैठने के लिए जगह मिल सकती है। ब्लू बीटल कहता है मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई बैठ भी सकता है, तो जस्टिन बेन्स कहता है चलो कोई बात नहीं, पर मेरे पास एक मैसेज है जो स्किट्स के लिए दिया गया था। फिर स्किट्स होलोग्राम शुरू कर देता है और फिर हमें टेड कोड देखने को मिलता है। टेड कहता है अगर तुम इसे देख रहे हो तो मुझे उम्मीद है ये फ्यूचर में 40 साल आगे का टाइम होगा, और हाँ इसलिए मैं काफी यंग भी दिख रहा हूँ, मैंने इस बारे में बहुत सोचा, मेरी कोई फैमिली भी नहीं है और ना ही कोई पार्टनर, पर बिना बात घुमाए मैं बस ये कहना चाहता हूँ मैं सब कुछ तुम पर छोड़ रहा हूँ माइकल, कोड इंडस्ट्रीज अब तुम्हारी है। बूस्टर यानी माइकल के तो होश उड़ जाते हैं और वो कहता है क्या तुम ये क्या बोल रहे हो। टेड कहता है
अगर स्किड्स ने मेरे ऑर्डर्स को फॉलो किया होगा तो उसने तुम्हारी फोटो इसी पोज में खींच ली होगी और उसे हर एक सुपर हीरो को भी भेज दिया होगा जिन्हें हम अभी तक जानते हैं। बूस्टर इस सबसे काफ़ी इमोशनल हो जाता है और कहता है, यू बास्टर्ड, तुम मुझे कैसे छोड़कर जा सकते हो। टेड फिर कहता है, हाँ एक और बात, मैंने लॉन्ग टर्म सेविंग अकाउंट में कुछ पैसे डाल दिए हैं और अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो इतना पैसा उस अकाउंट में सेव हो ही गया होगा जो तुम्हारे सूट के लिए पे किया जा सके जो तुमने म्यूजियम से चुराया था, और पेमेंट फ्यूचर में खुद ही हो जाएगी। अब तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब ये सूट लीगली तुम्हारा है बूस्टर, अब तुम इसके मालिक हो। और ये सुनकर बूस्टर की आंखों से आंसू निकल आते हैं। टेड फिर कहता है, और हाँ एक लड़का है जिमी, वो काफी अच्छा लड़का है, वो फ्यूचर में एक हीरो बनेगा जैसा हम बनना चाहते थे, पर उसका ध्यान रखना और याद रखना मुझे तुम पर हमेशा विश्वास रहेगा, लव यू मैन। और फिर होलोग्राम बंद हो जाता है। उसके बाद जस्टिन बेन्स कहता है, वेल आई थिंक पहली बात तो ये करनी पड़ेगी कि आपको किसी और जगह पर शिफ्ट करना होगा। बूस्टर कहता है, हाँ तभी तो मैंने इस ट्रेलर पर टायर लगाए हैं। तो जस्टिन बेन्स कहता है, नहीं सर मैं ऐसा नहीं बोल रहा, अब आप एक बिलियनियर हो मिस्टर कार्टर, और अब आप एक काफी बड़े घर में रह सकते हो। बूस्टर कहता है, हाँ ये तो तुमने ठीक कहा। फिर हम पहुंच जाते हैं खंदक, जहां ब्लैक एडम और डायना एरिजोना में हुए उस हादसे को देख रहे थे। डेमियन पूछता है, ये क्या हुआ है। ब्लैक एडम कहता है, एरिजोना का पूरा टाउन विलियम्स, उसके सारे लोग कल मिटा दिए गए। कारा पूछती है, लेकिन ये किसने किया होगा। ब्लैक एडम कहता है, हमें नहीं पता। डायना के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो कहती है, इविल, प्योर इविल। कारा इसी सब के लिए तुम्हें तैयार होना होगा। उधर डेमियन कहता है, अब मुझे यहाँ से जाना होगा, और डेमियन वहां से निकल जाता है। और फिर कारा भी उसके पीछे दौड़ने लगती है और कहती है, डेमियन रुको तो सही, मेरी बात तो सुनो। डेमियन कहता है, ये पक्का राहुल का किया कराया है, मुझे पूरा यकीन है। तो कारा कहती है, और तुम मुझे ऐसे ही छोड़कर चले जाओगे। डेमियन पीछे मुड़कर कहता है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही, और ये सब कुछ तुम्हारी गलती है। कारा पूछती है, लेकिन कैसे। तो डेमियन कहता है, तुमने ही मुझे यकीन दिलाया था कि मैं एक अच्छा इंसान बन सकता हूँ। पर कारा फिर भी उसे रुकने के लिए कहती है। तो डेमियन कहता है, तो चलो फिर मेरे साथ चलो। कारा मना करती है, मैं नहीं जा सकती, डायना ने कहा था मैं अभी बाहर जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। डेमियन कहता है, क्या तुम हमेशा वही करती हो जो तुमसे कहा जाए, पर चलो कोई बात नहीं, एक दिन तुम तैयार होगी और ये टावर तुम्हें नहीं रोक पाएगा, फिर कुछ भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आ पाएगा। रिपंजल को भी अपने बाल काटने पड़े थे तभी वो उस टावर से निकल पाई थी। तुम्हें भी खुद को तैयार करना होगा कारा, और सी एस सुपरगर्ल मैं चलता हूँ। और डेमियन वहां से चला जाता है। फिर कारा भी टावर में वापस चली जाती है और डेमियन की उन्हीं बातों को सोचते सोचते अपने बालों को काट देती है, और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस आज के लिए बस यही था, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।